हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। वेमो थोड़ा सा अभी खुश लग रहा है इसलिए क्योंकि वेमो अभी ग्लूकोन डी पिए हैं। थोड़ा सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, रात भर बुखार में थे। विदु विदु सो रहा है, विदु सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा है। इसको पॉटी हो रहा है, वॉमिट हो रहा है और इतना ज़्यादा परेशान है बच्चा। खाली अभी थोड़ा सा इसको हम लोग पिलाने की कोशिश की है ग्लूकोन डी, पर नहीं पी रहा है। फोर्सफुली दवाई पिलाए हैं, बुखार में है, बहुत ज़्यादा बुखार है इसको। इसको दवाई भी दिलाए हैं और शाम को पांडे जी आएंगे तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। इसमें रूम शिफ्टिंग का चल रहा है, कल शिफ्ट करना है। और बच्चे मेरे रात भर परेशान रहे हैं। वेमो भी वॉमिट हुआ, वेमो को बहुत सारा, तो वेमो कुछ खाए नहीं है, लेकिन वेमो थोड़ा सा वो ग्लूकोन डी पिए हैं, इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स है। और अभी उनको दवाई खिलाई हूँ मैं वॉमिट का, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, तो खेल रहा है अभी। वो अपना कलर्स रिंग्स लेके खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? रैबिट का है इसका, वेर इज रैबिट? रैबिट का है, लेके आओ रैबिट, लेके आओ। वेदु गोदी से उतर तक नहीं रहा है ताकि मैं कुछ कर सकूं, मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल। ये छोड़े तो मैं कुछ और भी काम करूं। इनका ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट था जिसकी वजह से ये चले गए, नहीं तो ये रुकने के लिए थे कि रुक जाते तो हो जाता। लेकिन बच्चा मेरा बहुत परेशान है, बहुत सफ़र कर, क्योंकि बच्चा परेशान है तो हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या शिफ्टिंग क्या करूँ, अभी ओनर आए हुए थे हमारे इस रूम के, तो वो भी बात कर रहे थे। वो देखे कि बच्चों की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है और उसको मतलब हमारी डेडलाइन जो थी वो निकल चुकी है। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप देख लीजिए थोड़ा सा, फिर चेंज कर लीजिएगा। तो कल का हमारा फिक्स है, कल हमको चेंज करना है। तो हमारा रूम वगैरह देख चुके हैं हम लोग, अब सिर्फ शिफ्ट ही करना है। तो ये चल रहा है, लेकिन बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी भी वेमो को फीवर आ रहा है, लेकिन इसका फीवर ऐसा आ रहा है कि इसका सिर गर्म है, इसका शरीर मतलब बॉडी भी गर्म है, लेकिन जो इसके हाथ और पैर हैं वो नहीं हैं। तो हाथ पैर जो हैं वो ठंडे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको दवाई पिलाऊं नहीं पिलाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और मैं अकेले हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रही, एकदम गर्म गर्म इसकी सांस आ रही है। विदु खेलोगे थोड़ा सा, खेलोगे थोड़ा सा? ये गोद में से उतर तक नहीं रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना काम कैसे करूं कैसे नहीं करूं, बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा है, न उड़ रहा है, खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है चुपचाप सुस्त। मेरे बच्चे ऐसे हैं कि दरवाज़ा गेट खुलता है तो ये लोग बाहर भागने लगते हैं, लेकिन आज खुल भी रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनको, क्योंकि इसको ताकत ही नहीं लग रही है। ये उठने बैठने में ही इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो फिर ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप लोग बताइए मैं इसको कैसे करूं, कैसे हैंडल करूं, और प्लीज़ प्रे कीजिए ताकि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू मच, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, शेयर एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। Thank you much, bye bye. Thank you much, nahi, thank you very much. Thank you much, bye bye. Bye bye.